नवागत एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने बड़वानी एसपी का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि अवैध हथियार, शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्यवाही उनकी प्राथमिकता में रहेगा। मंडला एसपी के बाद बड़वानी में अपने दूसरे कार्यकाल को प्रभावी बनाने और अपराध पर नियंत्रण के लिए एसपी ने विशेष रणनीति बनाई है। प्राथमिकता रहेगी इस ट्राइबल जिले में। देखिए, जैसा कि हर जिले का अपना एक अलग प्रोफाइल होता है, अलग चुनौतियाँ होती हैं, अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग विशेषताएँ होती हैं, तो उसको देखते हुए सबसे पहले तो यहाँ के क्षेत्र को समझना, यहाँ के लोगों को समझना, यहाँ के अलग अलग तरीके के जो समीकरण हैं उसको समझना, और उसके बाद पुलिस बतौर इंस्टीट्यूशन हम यहाँ पे कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कैसे व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे उनकी अपेक्षाओं पर हम खरे उतर सकते हैं, उसके लिए हम बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे। सभी को साथ में लेके, जो हमारे सभी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स बॉडीज़ हों, चाहे वो ट्राइबल इंस्टीट्यूशन हों, सभी को साथ में लेके, सभी की बात सुनते हुए और साथ मिलके हमें कार्य करना है और बेहतर से बेहतर प्रयास करना है कि व्यवस्थाओं को हमें आगे बढ़ाना है, बेहतर करना है। फिर यहाँ पर जो अवैध हथियारों का एक गढ़ रहा है एरिया, बॉर्डर इलाका है, अवैध शराब और बड़े तादाद में गांजे की तस्करी होती है, सब उत्पादन होता है, तो इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जो मुझे प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है, हमारी पुलिस ने पिछले 6-8 महीने में इन सभी विषयों पर काफ़ी अच्छा कार्य किया है, चाहे वह अवैध शराब का मामला हो, नारकोटिक्स का मामला हो या हथियारों का मामला हो। ये निश्चित तौर पर सही है कि ये क्षेत्र जो है उस चीज़ का गढ़ रहा है और इसको हम लगातार अभियान के तौर पर इस पर काम करते रहेंगे। जो हमारी पुलिस ने पहले भी अच्छे कार्य किए हैं और इस चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, हमारी जो टीम्स हैं वो हम इसमें और एक्टिवली इन्वॉल्व करेंगे। RPTV न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।